आज केवल टीचर्स के लिए आया हूं। टीचर्स के कुछ ऐसे मसले हैं जिनको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उनका समाधान करना जरूरी है। इन 8 मुद्दों के ऊपर 8 गारंटी में टीचर्स को दे रहा हूं। पहली, आपके साथ मिलके दिल्ली के अंदर जो सुधार हुए वो सुधार केजरीवाल ने नहीं किए, वो सुधार मनीष सिसोदिया ने नहीं किए। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जितने सुधार हुए वो दिल्ली के टीचर्स ने किए। हमने तो केवल अच्छा माहौल दिया था उनको, हमने अच्छा माहौल दिया और दिल्ली के टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया, जादू करके दिखा दिया। सो पहली गारंटी ये है कि पंजाब के अंदर भी माहौल बदलेंगे, टीचर्स को अच्छा माहौल देंगे और टीचर्स के साथ मिलके पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएंगे जैसे दिल्ली के अंदर लेके आए थे। ये हमारी सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को गारंटी है। इसका मैं पूरा मसौदा तैयार कर रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी के साथ। कुछ दिन के बाद मैं दोबारा आऊँगा आपके बीच में, उस दिन शिक्षा पे बात करेंगे, आज केवल टीचर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, मेरे पास कुछ टीचर्स मिलने के लिए आए, बोले जी 18 साल हो गए हमको काम करते, अभी तक कच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, भगवंत मान जी भी मेरे साथ बैठे थे कल, मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, आपको जान के ताज्जुब होगा, 18 साल काम करने के बाद एक टीचर को 10,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इतनी दुर्गति टीचर्स की, इतना अपमान टीचर्स का। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मिनिमम वेज, अनस्किल्ड लेबर, अगर कोई अनस्किल्ड लेबर एक महीना काम करता है तो उसको मिनिमम वेज 15,000 रुपए मिलते हैं दिल्ली के अंदर। टीचर्स को यहां पे मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, मिनिमम वेज के बराबर भी नहीं मिलता उनको, उनको केवल 10,000 रुपए महीना टीचर्स को मिलता है। और वो बोले जी 10,000 तो मैक्सिमम है, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 3,000 रुपए काम कर रहे हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 5,000 रुपए काम कर रहे हैं। 18 साल काम करने के बाद भी कोई आउटसोर्सिंग पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो सबसे पहली चीज, सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। ऐसे कई सारे कच्चे टीचर्स का चंडीगढ़ के पास धरना प्रदर्शन चल रहा है कई दिनों से। मुझे पता चला कि चंडीगढ़ के पास एक जगह एक पानी की टंकी के ऊपर एक महिला टीचर और 2 पुरुष टीचर कई दिनों से पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। उन्होंने दशहरा, दिवाली, करवा चौथ सारे त्यौहार पानी की टंकी के ऊपर मनाए हैं। ये बेहद दुख की बात है। जिन टीचर्स को क्लासों में होना चाहिए पढ़ाने के लिए, वो टीचर्स आधे से ज़्यादा टाइम उनको बेचारों को प्रोटेस्ट्स में, उनकी 2 ही डिमांड है, एक डिमांड है कि जितनी खाली भर्तियाँ हैं पेपर लेके उनको भरा जाए और दूसरा कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाए। मेरी चन्नी साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे अपील है कि आप इन टीचर्स की डिमांड्स को तुरंत पूरा कीजिए, या तो आप पूरा कीजिए नहीं तो हमारी सरकार बनने के बाद हम पूरा करेंगे। और कुछ दिन के बाद अगर चन्नी साहब ने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की और ये तब भी धरने पे हुए, तो अगली विजिट में जब मैं आऊँगा मैं उनके धरने पे उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो पहली डिमांड थी कि शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, दूसरा कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा चाहे वो आउटसोर्स हों चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हों, तीसरा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो बहुत गड़बड़ है। कल एक टीचर मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी टीचरों की कमी है तो कई टीचर्स को 2 ड्यूटी दे देते हैं, भाई ये तेरा चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज है। उनका एक ड्यूटी एक स्कूल में है
और दूसरी ड्यूटी दूसरे स्कूल में, 3 दिन स्कूल में, 3 दिन स्कूल में, और दोनों स्कूलों में 200 किलोमीटर का फासला है। बताओ कोई कैसे काम कर सकता है? एक आदमी के पास दो चार्ज हैं, 3 दिन स्कूल में पढ़ाएगा, 3 दिन उस स्कूल में पढ़ाएगा, और दोनों स्कूल जो हैं 200 किलोमीटर दूर हैं। ये ट्रांसफर पॉलिसी बदलनी है। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी सी आवाज उठाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर रखे हैं लोगों को तंग करने के लिए। दिल्ली में हमने ट्रांसफर पॉलिसी बदली। आज दिल्ली में साल के बिगनिंग में हर टीचर से पूछते हैं कि आपको किस स्कूल में जाना है। हमें लगता है कि टीचर को दुखी करके आप बच्चे को सुखी नहीं कर सकते। अगर टीचर मन में दुखी है वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं। 24 घंटे उसके मन में कुड़कुड़ रहेगी, कहां फंस गया यार मैं ट्रांसफर। वो कोशिश करता रहेगा ट्रांसफर कराने की अपनी, उसका 90% टाइम बच्चों को पढ़ाने में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने दिल्ली में यह तय किया कि हर टीचर को उसकी मन मर्जी के उसके घर के पास देंगे उसका स्कूल। उसको घर से दूर भेजने की क्या जरूरत है? हर टीचर से पूछा जाता है आप बताओ आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। कोशिश की जाती है कि सभी टीचर्स को उनके मन माफिक स्कूल दे दिया जाए, लेकिन अगर कहीं नहीं हो पाता उनको फिर उसके पास का कोई स्कूल दिया जाता है। वही ट्रांसफर पॉलिसी पंजाब में लागू की जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और टीचर्स को उनके मन मुताबिक उनकी मर्जी का स्कूल दिया जाएगा। चौथी चीज, पूरे देश की ये दुर्दशा है कि टीचर्स से सारा काम कराते हैं टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे पंजाब के कई टीचर्स ने बताया क्लर्की का काम कराते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, टीचर्स को स्कूल से निकाल के डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, उनको क्लर्क बना के रखा हुआ है, उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे जनगणना का काम कराते हैं, सारे काम कराते हैं, टीचिंग का काम नहीं कराते। बस दिल्ली में हमने आदेश पारित करके सारे काम विड्रॉ कर लिए। हमने कहा कि टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा और टीचिंग के अलावा कोई, अब कोई टीचर बीएलओ नहीं है, कोई टीचर जनगणना का काम नहीं करता, कोई टीचर दूसरा काम नहीं करता। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद थे उस वक्त हमने कोरोना का रिलीफ वर्क टीचर से कराया था, इसके अलावा टीचर से कोई दूसरा काम नहीं कराया जाता। जैसे दिल्ली में किया ऐसे पंजाब में भी टीचर्स के से जो नॉन टीचिंग का सारा काम है वो वापस लिया जाएगा, उनसे कोई दूसरा काम नहीं कराया जाएगा। पंजाब के अंदर टीचर्स की ढेरों वैकेंसीज हैं। एक तरफ टीचर्स की वैकेंसीज हैं और दूसरी तरफ टीचर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। तुरंत जैसे ही सरकार बनती है ये सारी वैकेंसीज एग्जाम लेके सारी वैकेंसीज तुरंत भरी जाएंगी, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को अपने टीचर्स मिल सके और टीचर्स को रोजगार मिल सके। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतनी शानदार जो व्यवस्था हुई शिक्षा की वो टीचर्स ने करी। उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे टीचर्स फिनलैंड गए, कनाडा गए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए। तो जैसे दिल्ली के टीचर्स को और आईएम लखनऊ, आईएम अहमदाबाद और आईएम एक दो और आईएम्स के साथ टाई अप करके वहां उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, जैसे दिल्ली के टीचर्स को हमने विदेशों में और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भेजा, ऐसे पंजाब के टीचर्स को भी हम ट्रेनिंग करवाने के लिए विदेशों में भेजेंगे। छठा, अभी टीचर्स को टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलता पंजाब में। अगर किसी को प्रमोशन लेनी है, कोई पॉलिसी नहीं है प्रमोशन की, तो हर आदमी को प्रमोशन लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये बंद किया जाएगा, टाइम बाउंड प्रमोशन किया जाएगा, सबको टाइम पे प्रमोशन मिला करेंगे। और आखिरी आठवीं बात, सभी टीचर्स को और उनके परिवार के लोगों को कैशलेस मेडिकल व्यवस्था का उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर भी हमने किया है सभी टीचर्स के लिए, यहाँ भी किया जाएगा।